A man can achieve his goal by the firm determination, strong will power and sincerity in work. एक मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए एंड सिंसियरिटी इन वर्क होनी चाहिए। ये तीन चीज अगर है तो किसी भी कठिन लक्ष्य को, कोई भी टफ सिचुएशन को, उस पर वो विक्ट्री हासिल कर सकता है, उस पर वो विजयी प्राप्त कर सकता है। तो यह बात के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। हाई एवरीबडी, माई नेम इज आफ्ताब मियाजी, एसोसिएट डायरेक्टर RMC एजुकेशन, और मेरे सामने जो बैठे हैं ये डॉक्टर अभय कुमार हैं, बिहार के छपरा जिले से, छोटे से गांव मीरपुर से ये बिलोंग करते हैं। तो डॉक्टर अभय कुमार, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, जो एलिजिबिलिटी लाइसेंसिंग एग्जाम है, वो आपने उस कंपटीशन को आपने पास कर लिया। तो उसके लिए आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि उस लाइसेंसिंग एग्जाम को आपने क्वालिफाई कर लिया है। आपको ढेर सारी बधाई, और RMC कंपनी की तरफ से, RMC एजुकेशन और RMC ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से, और इम्तियाज सर की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई है। RMC पूरी टीम से आपको ढेर सारी बधाई है कि आपने ये लक्ष्य को पाया, जो कि इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन लक्ष्य है। मैं अपने दर्शकों को, अपने गार्जियंस, अपने अभिभावक, अपने जो हमारे जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो 2024 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको भी मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अभय कुमार, इन्होंने वर्ष 2024 का जो अभी नीट का जो FMG का एग्जाम हुआ था, वर्ष 2024 का जो FMG का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में इन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अभय कुमार। तो डॉक्टर अभय कुमार, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और थोड़ा हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी बहुत ही उत्साहित हैं इस बात को जानने के लिए। आप अपने बारे में बताइए कि आप छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जैसा कि हमें यह मालूम है कि आपके पिताजी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो गाँव में जो गवर्नमेंट स्कूल, 12वीं की क्लास की स्कूल्स होते हैं, उसमें इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज में आपके पिताजी टीचर, वो प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो रुचि है डॉक्टर बनने की, जो ये ड्रीम है जो आपके मन में, आपके माइंड में कहीं ना कहीं आया होगा, वह भी मुझे बताइए। और यह भी डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपके बचपन की पढ़ाई, ये सब कैसे हुआ, ये बताइए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे व्यूअर को मैं नमस्कार करता हूँ, और साथ ही साथ RMC टीम को वेरी वेरी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और दिल से बहुत ज़्यादा मतलब थैंकफुल हूँ पूरे RMC टीम के लिए, RMC कंपनी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो गांव के ही विद्यालय से, मीरपुर जोड़ा जो गांव है, वहीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। आगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अच्छे शिक्षा के लिए मेरे पिताजी ने मुझे बाहर भेज दिया, तो मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है वो UP बोर्ड से कंप्लीट किया। अच्छा, यानी कि आपने अपने जो 10th की पढ़ाई है और 12वीं की पढ़ाई है, ये दोनों आपने, चूंकि छपरा से आप बिलोंग करते थे तो यूपी आपके नजदीक शहर था, वहां से आपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से आपने किया। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। इसके बाद चूंकि आपको मालूम होगा, इम्तियाज सर को मालूम है, मेरी मॉम को ल्यूकेमिया था, तो और हम लोग काफ़ी छोटे छोटे थे तभी मेरी मॉम चल बसी ब्लड कैंसर, जिसको मेडिकल टर्म में ल्यूकेमिया कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने जो पेन सहा, और जो हम लोग मतलब महसूस कर पाते थे, छोटे छोटे बच्चे थे और जो देख पाते थे उनको कराहते हुए, दर्द में रहते हुए, और उनकी जो बेचैनी घबराहट थी, जो दर्द से जो भी पीड़ा होती थी, तो वो सब चीज़ों को हमने देखा है, और मतलब काफ़ी क्षुब्ध रहते थे, दुखी होते थे कि, और गांव में न हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, न इवन कोई पेन किलर भी एट ए टाइम यदि चाहिए हो तो वहाँ वैसा उपलब्ध नहीं हो पाता था, न कोई मेडिकल ऐसा प्रैक्टिशनर था, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल, कोई भी ऐसा कोई नहीं था जो एट ए टाइम कुछ कर सके। उनका इलाज हालांकि BHU में चलता था, फिर दूसरे दूसरे जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल में चला, चूंकि ल्यूकेमिया अभी भी लगभग लाइलाज है। तो
और उस टाइम तो और मेडिसिन उतनी और ज़्यादा नहीं थे, अब तो बहुत सारे एडवांसनेस आए हैं मेडिकल साइंस में, तो उनको तो कुल मिला के ये समझे कि ये परेशानी रही। जी जी। तो डॉक्टर साहब आपके जो ये रुचि आई तो वह इस वजह से आई, कहा गया है कि किसी भी जो सपने को देखते हैं, कोई जो खुशी होती है उसके पीछे का एक गम भी छुपा होता है, कोई जो लक्ष्य हम हासिल करते हैं, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के बाद में खुशी तो बहुत होती है लेकिन उसके पीछे जो एक हमारा दर्द छुपा हुआ है, डॉक्टर साहब वही बता रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो माता श्री हैं उनको आप जब बच्चे थे छोटे थे तो उनको ब्लड कैंसर का जो डिजीज था वह डायग्नोस, उस टाइम में वैसी फैसिलिटी नहीं थी, तो आपके मन में डॉक्टर अभय कुमार जी के मन में उस वक्त यही आया कि क्यों ना मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, और यह जो परेशानी है उस परेशानी को, यह जो एक हमारे समाज में जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री की जो एक कमी है, जो लैकनेस है, इसको मैं दूरी करूं, और वहीं से यह सपना इनके मन में स्थापित हो गया, बस सपना इनके मन में आ गया मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर साहब फर्दर मैं अपनी बात को बढ़ाना चाहूँगा, मुझे ये बताइए फिर आपने 12वीं वहाँ किया, ये तो हो गया आपके जो ड्रीम की बात, आपने बताया कि ये ड्रीम के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द भी छुपा हुआ है। जी ठीक है, जो दिख रहा है आप जो बात बता रहे हैं वो मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब मैं ये भी जानना चाहूँगा 12वीं करने के बाद, चूँकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 2016 में आपने चाइना में MBBS में एडमिशन लिया जी कॉलेज में, तो वहाँ पे उस समय में मेडिकल की जो प्रिपरेशंस थे, जो AIPMT होता था, प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसको आपने कहाँ, कोई पटना जाकर या किसी बड़े शहर में जाकर कोई कोचिंग किया आपने, और फिर RMC उसी आपके दरमियान उसी दौरान RMC कैसे कैसे आपका? पटना में मैंने तैयारी किया था जी, लेकिन चूंकि मेरा टारगेट था कि मैं MBBS ही करूँ जी, तो MBBS नहीं मिल पाया, तो मतलब एक दो अटेम्प्ट देने के बाद मतलब मेरे पिताजी ने सजेस्ट किया कि मतलब आप विदेश जाएंगे। हाँ, मतलब कि आप डॉक्टर साहब संघर्ष में लगे रहे जी, आपको यह था कि कुछ भी हो जाए मुझे डॉक्टर बनना ही बनना जी, ये तो मैंने जैसे कि अपने बात में शुरू में कहा फर्म डिटर्मिनेशन, तो इनका ये फर्म डिटर्मिनेशन था मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है जी। डॉक्टर अभय कुमार कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि डॉक्टर बनना ही एक फर्म डिटर्मिनेशन था, फिर स्ट्रॉन्ग विल पावर, उस फर्म डिटर्मिनेशन को इन्होंने स्ट्रॉन्ग विल पावर में चेंज किया, ट्रांजिशन किया, ट्रांजिट किया, एंड सिंसियरिटी इन वर्क, कंप्लीटली सिंसियर वर्क करते हैं। तो फिर RMC से आपकी कैसे, फिर इस जर्नी में RMC कैसे आया, जो हमारे पेरेंट्स को ये बताइए RMC कैसे आया, क्योंकि उस समय में 2016 में बहुत सारी कंपनियां थी या कम कंपनियां थी काम कर रही थी, फिर RMC को कैसे आपने जाना, कैसे RMC आपके बीच में आई ये बताइए। एक्चुअली मैं मतलब पहले एडमिशन के लिए नेपाल गया था काठमांडू। अच्छा। और फिर काठमांडू से आते समय रक्सौल जंक्शन पे था, तो कोई पंपलेट हमको मिला था। अच्छा, RMC का कोई पंपलेट आपको मिला? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, RMC का एक पंपलेट आपको मिला। जी, पंपलेट बहुत चीज होता है जिसमें कोई भी कंपनी आपका छोटा सा प्रचार एडवर्टीजमेंट करती है अपनी चीजों को बताने के लिए कि हम MBBS करवा रहे हैं, तो पैम्फलेट मिला। मैं इसी उद्देश्य से गया था काठमांडू कि मैं वहाँ से, वहाँ मुझे पता चला था कि वहाँ पे बहुत सारा, मैंने गूगल किया था पहले, जो ऑनेस्ट बात है कि मैंने गूगल किया पहले कि नंबर वन कौन है, तो कौन विदेश भेजती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैंने काठमांडू का गूगल किया, काठमांडू गया, वहाँ पे कोई दूसरा था, तो हमको उनका बात उतना वो नहीं लगा, फेथफुल नहीं लगा, तो हम लौट रहे थे। फिर रक्सौल पे मैं इंतजार कर रहा था ट्रेन का, मुझे एक पंपलेट मिला, तो और तो मैंने पंपलेट पढ़ा, फिर मैंने तुरंत पंपलेट मतलब कोई अखबार में मिला या कोई वेंडर आपको दिया? कोई वेंडर, वेंडर आपको जी, दिया जी, कोई बांट रहा था पंपलेट उसने आपको दिया जी। जी, फिर मैंने कॉल किया एट ए टाइम पंपलेट लेने के साथ, उस नंबर पे जो नंबर दिया हुआ था उस पे आपने कॉल किया, कॉल किया, बातचीत हुई, तो किन से बातचीत हुई? दरभंगा में जो सर हैं इम्तियाज सर के भाई। अच्छा, उनसे आपकी बातचीत? जी जी, जिलानी सर, जिलानी सर से आपकी बात हुई। जी जी। तो मैं अपने दर्शक को ये भी बताना चाहूंगा कि RMC एजुकेशन सर्विस सेंटर इंडिया की नंबर वन एजुकेशन सर्विस सेंटर की कंपनी है, एजेंसी है, कंसल्टेंसी है, जो पिछले ये हमारा 24वां साल है लगभग, आप ये से इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में एक फाउंडेशन है उससे स्टार्ट होकर एजुकेशन क्षेत्र में हमारे जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया,
डॉक्टर साहब और जो डॉक्टर इम्तियाज मुरानी सर हैं, उन्होंने उसी 1998 में इम्तियाज सर जो हमारी कंपनी के चेयरपर्सन हैं, वो एक फाउंडेशन की एजुकेशन से रुचि उनकी बहुत रही है, एजुकेशन से और चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वहीं से उन्होंने इसको स्टार्ट किया और 24 साल हमारी पुरानी कंपनी है। तो गूगल पे आपने ये भी सर्च किया कि कौन अच्छी कंपनी है, कोई टॉप कंपनी है, और फिर उन्होंने तो हमारे 18 जो स्टेट्स हैं, 18 राज्य में और आरएमसी के ब्रांचेस हैं, उसमें से एक दरभंगा भी है, बिहार में दरभंगा के ब्रांचेस है, जहाँ पे उस नंबर दिया था पैम्फलेट पे इन्होंने कॉल किया। पहली बार दरभंगा ऑफिस का ही कॉन्टेक्ट किया। तो फिर आपने दरभंगा जाके ऑफिस में मिले या दिल्ली ब्रांच पे आप आए? तो मैं मतलब घर लौट रहा था छपरा, तो मैं घर न लौट के फिर दरभंगा पर गया, वहीं से रक्सौल से। अच्छा। मुझे एक मतलब एक्यूरेट नहीं याद है कि मैंने मतलब कैसे गया, लेकिन इतना मतलब दरभंगा वगैरह से मैं गया। तो आपकी ये दिखाता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ही यू नो आई एम वेरी सरप्राइज कि आपकी जो ये लगन थी डॉक्टर बनने की, जो जर्नी थी आपके अंदर, एक बिल्कुल भूख था, यू आर वेरी हैंग्री टुवर्ड्स बिकमिंग अ डॉक्टर, इट वॉज वेरी यू नो गुड ड्रीम फॉर यू टू बिकमिंग अ डॉक्टर, एक आपके अंदर एक भूख थी डॉक्टर बनने की। आप वहां से फिर चले गए दरभंगा, वहां पे काउंसलिंग आपने लिया। जी। अब काउंसलिंग लेने के बाद वहां से आरएमसी की जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई। जी। ठीक है, तो ये आरएमसी की जर्नी के बाद तो आपने जो एडमिशन लिया डॉक्टर साहब, कौन से यूनिवर्सिटी था, हमारे बच्चों को बताया आप? जियांसी यूनिवर्सिटी ऑफ टीसीएम था। अच्छा, जियांसी यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। जियांगसी यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, और जो कॉलेज था वो था इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज। जी। जो इन्होंने चाइना से किया और 2016 में डॉक्टर साहब एडमिशन, 2016 में मेरी एडमिशन हुई। इसके बाद 2016 से 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ एमबीबीएस। ये आप मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताए कि 2016 में आपका एडमिशन हुआ, फिर मतलब क्या एक्साइटमेंट था जब जिस दिन आपकी फ्लाइट होने वाली थी, आई थिंक मुझे लगता है जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज पे भी चढ़ने का मौका मिला आपको। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जब आप एक लक्ष्य को साधते हैं तो जिंदगी में क्या है ना, जिंदगी के रास्ते में हर आपको कांटे भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, अच्छी सड़कें भी मिलेंगी, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब खुशी के भी पल होते हैं, गम के भी पल होते हैं, तो डॉक्टर साहब आपको हवाई जहाज पे भी चढ़ने का मौका मिला, वो भी इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो ये कैसा आपका वो एक्साइटमेंट मुझे बताइए, और एयरपोर्ट पे जैसा कि आरएमसी की सर्विस के बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि कैसा कॉलेज सेलेक्ट करने से लेकर और आपको जो टेक ऑफ जिस दिन होना था चाइना के लिए, आरएमसी ने कैसे सपोर्ट किया और क्या एक्साइटमेंट? आरएमसी ने पूरे टीम ने पूरा सपोर्ट किया, मैं इवन मेरा फ्लाइट टिकट भी आरएमसी के ऑफिस से ही मुझे मिला था। अच्छा, और आरएमसी की टीम एयरपोर्ट बिल्कुल सीएफ करने गई थी जब आपकी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। जी। तो वो एक्साइटमेंट क्या था ये जरा डॉक्टर साहब मुझे बताइए। हाँ, वो मतलब पहली बार स्वाभाविक बात है, कोई फ्लाइट में कोई जा रहा है तो थोड़ा तो होता है, लेकिन मतलब एक मैं यहाँ ऑनेस्ट बात ये कहना चाहूंगा कि आरएमसी टीम ने तो काफी हेल्प किया अनडाउटली, लेकिन चूंकि दिमाग आदमी का एंगेज रहता है कि मुझे ये काम करना है, काम के लिए जा रहे हैं, तो इतना एक्साइटमेंट आदमी फील नहीं कर पाता कि मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई एम इन फ्लाइट और लाइक दिस, ये कोई उतना फील नहीं कर पाता है, क्योंकि एक तो सब कुछ छूट रहा होता है, अजीब फील होता है। एक मतलब दोनों फीलिंग्स, एक इमोशन भी है, आप अपने परिवार को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एक इमोशन होता है। ये भी नहीं मालूम है कि वहाँ हम कैसे रहेंगे, क्योंकि पहले कोई गया नहीं, कोई रहा नहीं, एक एक्साइटमेंट तो होता ही है, स्वाभाविक बात है कि मैं मतलब फ्लाइट में पहली बार जा रहा हूँ, इंटरनेशनल एयर फ्लाइट है जो भी, तो जा रहा हूँ, लेकिन चूंकि ब्रेन इंगेज रहता है पूरी तरह से कि मतलब मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सारा कुछ मतलब फ्लाइट में जा रहा हूँ, अननोन कंट्री में जा रहा हूँ, जहाँ की इवन कल्चर भी बहुत सारा मतलब हमारे जो कल्चर है, जो खान पान है, उससे कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, क्या होगा, कैसा खान पान मिलेगा, तो वो एक्साइटमेंट बनी हुई थी। तो वो सब तो था ही, तो डॉक्टर साहब गजब का एक्साइटमेंट था जब वहां पे आप जाते हैं तो एक तरफ परिवार को आप छोड़ रहे होते हैं, परिवार को मिस करते हैं, बहुत इमोशन हो जाता है। हम लोग बताना चाहेंगे कि जब गार्जियंस को बच्चों को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं तो कई बार हम लोग भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जी बच्चों, लेकिन उस इमोशन के पीछे एक कामयाबी भी छुपी हुई है, वह देखते हुए काफी खुशी भी होती है, फिर बच्चे वहां जाते हैं, शुरू में तो बड़ा दिक्कत होता है। मुझे डॉक्टर साहब एक चीज बताइए,
जैसे बच्चे पढ़ने वहां पे आप गए पढ़ने चाइना जी, तो कैसा रहा पढ़ाई की टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या थी, पढ़ाई की व्यवस्था क्या थी, प्रैक्टिकल कैसे हो रहा था, कैडेवर आपको वहां पे मिल रहा था कि नहीं, कैडेवर आई मीन डेड बॉडी वहां आपको मिल रहा था कि नहीं, प्रैक्टिकल कैसा था, ये थोड़ा हमारे दर्शक को हमारे गार्जियंस को बच्चे को बताएं कि पढ़ाई कैसी वहां पे थी ये बताइए, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या था, चाइना की कैसी जियोग्राफी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कहता है कैसा है, और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, और उस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो भी एडवर्स सिचुएशन हो या फेवरेबल सिचुएशन हो उसको कैसे आपने सॉर्ट आउट किया आपने, और कैसे सॉल्यूशन निकाला, कैसे वो ये किया जी। मतलब आपने जैसे पहला बात पूछा कि कैसा वहाँ पढ़ाई होता है जी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, हाँ टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो मैं ये मतलब एकदम ऑनेस्टली जवाब देना चाहता हूँ और वेरी क्लियर डॉक्टर कि मतलब आप जो भी बताएंगे हमारे बच्चे देखेंगे जी, और यहीं से उनके मन में भी कुछ बाहर से विदेश में पढ़ाई करने का ये सपना आएगा जी, बताइए। जियांसी ट्रेडिशनल मेडिकल कॉलेज में जो जियांसी यूनिवर्सिटी ऑफ टीसीएम है जी, वहाँ पे पढ़ाई बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत रेगुलरिटी है, बहुत पंक्चुअलिटी है, इवन आप रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो आपका 90% से नीचे रहेगा मेरे सेशन में, तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, मतलब डिसिप्लिन वहाँ पे मैंडेटरी है, डिसिप्लिन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डॉक्टर अभय कुमार ये बता रहे हैं पढ़ाई बहुत अच्छी है, रेगुलरिटी है, डिसिप्लिन है, 90% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। मैं वहाँ खुद अपने बैच का सीआर था, अच्छा क्लास रिप्रेजेंटेटिव था मैं, वेरी नाइस डॉक्टर साहब, अमेजिंग, मतलब आई क्लैप फॉर यू कि बीइंग एन इंडियन एंड बिलोंग फ्रॉम यू नो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट यू नो छपरा, एक छोटे से गांव से वहाँ जाकर आप सीआर रहे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जी जी, तो मतलब एज ए सी आर भी मतलब हम लोगों को बहुत सारे राइट्स भी रहते हैं, और साथ ही साथ इवन हमारे बैच के कोई बच्चा नहीं आ रहा है चाहे कुछ भी ऐसा, तो ये भी हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था कि मतलब ट्राई टू नो व्हाट इज द रीजन व्हाई ही इज और सी इज एब्सेंट इन द क्लास, और तो ये सब मैंने देखा, बहुत स्ट्रिक्ट है पढ़ाई इसमें। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए प्रैक्टिकल का क्या था, जैसे थ्योरेटिकल पढ़ाई तो आपने बता दिया जी, डिसिप्लिन में बहुत ही रेगुलरिटी है, प्रैक्टिकल क्या था? प्रैक्टिकल जैसे ऐसा तो नहीं कि प्रैक्टिकल वहाँ पे नहीं हो रही थी, वो क्या? प्रैक्टिकल काफी अच्छा था, जैसे मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी का वहाँ वो था रूटीन था, मतलब कि जी, और जैसे नॉर्मली जैसे क्लास होता है कि टू आवर का थ्योरी क्लास है, तो जैसे मान लीजिए दो दिन तीन दिन यदि थ्योरी क्लास है तो दो दिन आपका प्रैक्टिकल ऐसे रहता है, मतलब कि 2:2 सेम रेशियोज में आप कह सकते हैं कि जो 50% थ्योरी देन 50% आपका थ्योरी 2 days प्रैक्टिकल, कैडेवर डेड बॉडी वगैरह जी। अगली बार यही बताने वाला था सर, आपने पूछा कैडेवर, कैडेवर मतलब थर्ड मंथ ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब 2016 में ये वहां गए, ज्वाइन किए कॉलेज को, जाने के तीसरे महीने से ही इनको कैडेवर डेड बॉडी मिला है, क्योंकि कैडेवर एनाटॉमी का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, फिजियोलॉजी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, मान लीजिए अचानक कैडेवर दे, तो नॉर्मली 12th में पढ़े फिर इतनी पढ़ाई की तो एनाटॉमी या फिजियोलॉजी, फिर भी मेडिकल कॉलेजेस का जो WHO के अनुसार जो रिकमेंडेशन है, जो सिलेबस है, तो फिर से एक बार समझिए वो सिक्योर करना चाहते हैं कि आप उस लेवल पे है कि नहीं नॉलेज के, ताकि आपको कैडेवर दिया जाए तो आप कुछ मतलब प्रोफेसर के देख रेख में आप कुछ समझ सके, जो बोला जाए उसको फाइंड आउट कर सके, मान लीजिए कौन किसी नर्व को बोला गया तो आपको हालांकि पढ़ाया जाएगा कैडेवर के डिसेक्शन से पहले आपको वहीं पे क्लास में पढ़ाया जाएगा, फिर आपको ले जाया जाएगा, मान लीजिए आज मतलब जैसे आफ्टर ऑल जो आप ये बता रहे हैं जी के कैडेवर की अच्छी फैसिलिटी थी, कैडेवर की अच्छी फैसिलिटी थी, एक बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा सर, कैडेवर की मतलब मुझे जो लगा है, इवन हमारे कुछ फ्रेंड रशिया वगैरह में थे उस टाइम, तो रशिया में मतलब पर्टिकुलर ऐसे सीधे चाइना की बात करूँ तो कैडेवर का चाइना में अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब हर 6 स्टूडेंट पे, हम लोग का उतना ज़्यादा संख्या था फिर भी 6 से 8 स्टूडेंट पे एक कैडेवर मिला हुआ था। आप ये मैं अपने डॉक्टर अभय कुमार के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, कि ये जो एक मतलब कि मिसकंसेप्शन है हमारे गार्जियन से बच्चों में कि विदेश में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं कैडेवर की बात डॉक्टर अभय कुमार से इसलिए बार बार फोकस कर रहा था, आप चाइना जाओ, रशिया जाओ, जॉर्जिया जाओ, बांग्लादेश जाओ,
आप नेपाल जाओ, आपको कैडेवर अच्छे मिलते हैं। मेडिकल के एजुकेशन में कैडेवर आपको मिलेगा, तभी एक आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। तो डॉक्टर अभय कुमार यही उदाहरण है कि बेहतरीन कैडेवर की व्यवस्था थी, पर 6 स्टूडेंट्स में एक कैडेवर मिलता है। 6 टू 8 स्टूडेंट पे ग्रुप पे एक कैडेवर, 6 टू 8 स्टूडेंट्स में पर 6 टू 8 स्टूडेंट्स में एक कैडेवर मिलता था। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्लाइमेटिक कंडीशन का मुझे थोड़ा बता दीजिए, और खाने का वहां पे क्या था, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, फूडिंग का क्या सिस्टम है, रहने का, खाने का, ये कह सकते हैं हमारे गार्जियंस और बच्चों के मन में होता है कि खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, ये हम लोगों के यूनिवर्सिटी में इंडियन फूड की, इंडियन रेस्टोरेंट की व्यवस्था थी। चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हम लोगों की कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से व्यवस्था थी। तो ये बताना चाहूंगा कि जितने भी रेनाउंड कॉलेज है, जितने भी अच्छी कंट्रीज है, रशिया है, चाइना है, बांग्लादेश, आप ये समझ जाए, डॉक्टर अभय कुमार बता रहे हैं कि हॉस्टल की, रहने की व्यवस्था अच्छी, इंडियन फूड्स जो चाइनीज जो अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके तरफ से ही इंडियन फूड्स का व्यवस्था, इंडियन शेफ हो, जो एशियन शेफ वहां पे प्रोवाइड किया था, शेफ फ्रॉम एशिया, इधर इंडिया, बांग्लादेश, इन सब कंट्री के वहां पे शेफ होते हैं, जो नॉर्मली हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हमारे शेफ इंडियन ही थे सर, मोस्टली इंडियन शेफ, इंडियन शेफ राजस्थान के। तो सर थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन का बता दीजिए बच्चों। क्लाइमेटिक कंडीशन जिस प्रोविंस में मैं गया था, जियांसी प्रोविंस का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं साउथ के क्लाइमेटिक कंडीशन से ज्यादा मिलते जुलते हैं। अच्छा, मतलब जी अच्छा। बहुत ज्यादा मतलब ना बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक ठाक। मतलब आप जिस प्रोविंस में थे वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर था, ठीक है, ना गर्मी ना ठंड, और वहाँ आइस फॉल भी रेयर ऑफ रेस्ट माने कई साल पे होता है, जैसा अच्छा। हम लोग एक बार थे तो एक बार आइस फॉल एक दो दिन के लिए होता है। तो आप ये डॉक्टर साहब से हमने बात कर लिया, तो ये बहुत अच्छा जर्नी। अरे डॉक्टर साहब आपने 2022 में कंप्लीट किया MBBS, 2021 में जी। 2016 में डॉक्टर अभय कुमार आपने वहाँ पे एडमिशन लिया जी। 2021 में 2016 में ही गॉट एडमिशन एंड ही कंप्लीटेड हिज MBBS इन 2021 में इन्होंने MBBS को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर कैसा रहा डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे। पहले तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं हमारे बच्चों को और जो अभिभावक हैं, जो गार्जियंस हैं जी, हमारे बच्चे और अभिभावक जो गार्जियंस हैं, उनको ये बताइए कि मेडिकल के लक्ष्य को, जर्नी को, चूंकि डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि इंडिया में आज भी बहुत कॉम्पिटिशन है MBBS के लिए, हम जानते हैं कि टोटल जो फॉर्म्स फिलअप होते हैं जी जी, ठीक है, आप ये समझ जाइए डॉक्टर साहब, जो सीट्स हैं टोटल इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स जी, प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला के लगभग 90 से 94 हज़ार सीट्स हैं जी, ठीक है, और बहुत ही कंपटीशन टफ है। तो बच्चे के पास एक बेस्ट सॉल्यूशंस है कि हम विदेश से MBBS करें, फॉरेन यूनिवर्सिटी से हम MBBS करें। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हमारे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि विदेशी शिक्षा के बारे में बताइए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो FMG एग्जाम है, जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, अब वो नेक्स्ट हो गया है जी, तो उसके बारे में एक डर होता है कि हम विदेश में जाएंगे लाइसेंसिंग, अब तो खैर ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को भी लाइसेंसिंग एग्जाम देना, तो ये थोड़ा आप हमारे बच्चों को बताइए। पहली बात जानना चाहेंगे हमारे बच्चे आप जी। पहली बात सर, आपने कहा कि मतलब जो यहाँ पे इतना कंपटीशन है, बच्चे जिनका बहुत मतलब फर्म डिटर्मिनेशन है कि आई हैव टू बिकम ए डॉक्टर, तो वैसे मतलब हमारे साथी दोस्त के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपने ठान लिया है और उसके लिए यदि आप प्रयत्न करिएगा और प्रयत्नरत रहिएगा, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको कंटिन्यूअस स्ट्रगल, कंटिन्यूअस स्टडी दोनों मतलब चाहिए। आपको मोटिवेटेड भी रहना है जी जी। कई बार ऐसा भी होगा डॉक्टर साहब, मुझे आप बता रहे थे जी, कई बार ऐसा भी होता है कि डीमोटिवेशन आता है जी, बहुत फॉल डाउन भी होगा, डिक्लाइनिंग मूड भी होगा, वो डीमोटिवेशन और फॉल डाउन को कैसे रिक्रिएट किया वो भी बताइए जी। तो ऐसे आई हैव लेट मी कंप्लीट द यस यस यस। तो मैं वैसे स्टूडेंट के लिए कहना चाहूंगा कि आप मतलब मोटिवेटेड रहिए। पहली बात कि ये मत समझिए कि आप ही एक ऐसा कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप अकेले हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इंडिया में जिनको ये गोल है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इवन वो बहुत ऑनेस्ट गोल रखते हैं कि दे वांट टू बिकम ए डॉक्टर, दे वांट टू सर्व द सोसाइटी। जो मतलब यहाँ पे जो हेल्थ का एक वो है, सिचुएशन है, उसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं।
तो आप हिम्मत मत हारिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए कोशिश करिए। और मैं कहूँगा कि ऐसे जो जैसे आरएमसी से मैं जुड़ा, तो फिर मुझे बातचीत किया यहाँ के इम्तियाज सर से, जिलानी सर से, तो मुझे मतलब यकीन हुआ नहीं ये सच्चे लोग हैं, मेरे पिताजी ने भी बात की। तो ऐसे जो भी आपके मतलब कॉन्टेक्ट में है, जिसको आप समझते हैं कि दिस इंस्टीट्यूट और दिस कंपनी इज फेथफुल, मतलब वो आपको डिसीव नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों से जुड़िए। और आपको एब्रोड जाकर पढ़ने की इच्छा मतलब है तो जाके एब्रोड पढ़िए, लेकिन डॉक्टर बनने का यदि फर्म डिटर्मिनेशन है तो आप बन सकते हैं, चाहे आप एब्रोड से पढ़े चाहे ऐसे, अब कोई अंतर नहीं होने वाला है, नहीं होने क्योंकि वाला, अब तो सबको लाइसेंसिंग एग्जाम देना है, सबको उस लेवल पे। डॉक्टर साहब, आप हमारे बच्चों को, चूंकि आरएमसी जी ने आपको अच्छा सपोर्ट किया, तो आरएमसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे कंसल्टेंसी में संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं, आरएमसी हमेशा आपके साथ रहती है, मुझे भी जब भी जरूरत, इवन जो भी आरएमसी से स्टूडेंट गए थे हमारे साथ, तो जब भी उन लोगों को भी जरूरत पड़ता था आप लोगों से कंसल्ट करते थे फोन से जैसे भी, और आप लोग हेल्प करते थे, इवन अभी भी आप लोग हेल्प करते हैं जो इवन कम्प्लीट कर लिए हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब आप लोगों की, आपकी डॉक्टर साहब दुआ बनी रहे, हमारे जितने भी बच्चे वहाँ गए हैं, मैं तो हम लोग हमेशा हमारे इम्तियाज सर, हमारे जितने भी ब्रांचेज हैं और जितने भी हमारी टीम है आरएमसी की, हम लोग ये बिल्कुल गॉड से प्रेयर करते हैं कि हमारे बच्चे, और हम लोग कभी भी हमें अपने कमिटमेंट्स में आरएमसी एजुकेशन एंड टीम और सर्विसेज में हम लोग पीछे नहीं रहना चाहते। तो डॉक्टर अभय कुमार यही बता रहे हैं कि सर्विसेज और कमिटमेंट्स और आरएमसी से बेटर एंड बेटर, बल्कि पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद आज तक तो हमारी सर्विसेज शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा लाइफ टाइम तक हम लोग जो अपने स्टूडेंट हैं, अब तो हमारे डॉक्टर अभय कुमार हैं, ये तो हम लोग का जुड़ाव एक रहता है बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि फिर एफएमजी का कैसा रहा, कौन सा अटेम्प्ट आपका था, अटेम्प्ट आपका कौन सा था, आपने उसको कैसे तैयारी की, हाँ, कैसे क्वालिफाई किया? बिल्कुल, ये थोड़ा इन शॉर्ट में मैं मतलब अपने मेडिकल कॉलेज में जियांगसी में मैं एक टॉपर था, इवन आई गॉट 3 times स्कॉलरशिप, 1.5 lakhs, 2.25 lakhs, means I was... अच्छा डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, अपने बच्चे और गार्जियंस को यही बताना चाहूंगा कि फर्म डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग विल पावर, इनके डॉक्टर अभय कुमार के अंदर पढ़ने की एक ललक थी, एक पागलपन था आप ये कह सकते हो, कि इन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में, जब आप विदेश पढ़ने जाते हो तो एक आपको साइड जो ऑप्शनल लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है, इन्होंने आउट ऑफ 100 ही स्कोर 97, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 97 मार्क्स इन्होंने अचीव किया। जी, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स अ बेंचमार्क, माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, इट्स अ बेंचमार्क, ये एक बेंचमार्क है, मैं कह सकता हूँ डॉक्टर अभय कुमार, ये बहुत बड़ी, जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स थे उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें ये टॉपर थे। जी हाँ, तो बताइए एफएमजी के बारे में, सॉरी आपको मैंने बीच में। जी तो मतलब मैं वहाँ का एक टॉपर था, सारे वहाँ के प्रोफेसर्स, इवन हमारे जो प्रिंसिपल थे वहाँ पे, हेडमास्टर बोला जाता है बैच के, जो जो गाइड करते हैं बैच को, तो हेडमास्टर बोला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बस एक चीज, टॉपर जैसे आपने बताया मैं टॉपर था, जी इंडिया में काफी स्ट्रगल आपका रहा, लेकिन फिर वहाँ जाके टॉपर बने, तो कहीं ना कहीं बच्चों को आप ये शायद, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, टॉपर बनने के लिए कोई बहुत ये नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस मेहनत, स्ट्रगल किया है तभी आप टॉपर बने। जी, जी बहुत मेहनत किया, हिम्मत नहीं हारे आप, जी तो क्या हर वो नॉर्मल स्टूडेंट वो मेहनत करके टॉपर बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखिए जैसे टॉपर बनना क्या है, मैं एक मतलब, चूंकि हम लोग को एक साइकेट्री सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है मेडिकल साइंस में, तो टॉपर बनने क्या है, एक तरह से समझिए कि आप कोई पहली बार क्लास में कोई अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि ये जो लोगों का जो आपका एडमायरेशन है, जो लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, ये आप लूज ना करने पाए और आप हमेशा उस लेवल पे बने रहें। तो उस लेवल पे बने रहें इसके लिए आप लगातार फिर मेहनत करते हैं, आप एक एक मतलब अच्छे, उसको मतलब गुड साइकिल कहिए, आप एक अच्छे मतलब साइकिल में इंटर कर जाते हैं जिसमें आप रोज पढ़ते हैं, रोज क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, चूंकि सेमेस्टर सिस्टम यही होता है कि आपका हर दिन का परफॉर्मेंस हमारे कॉलेजेस में देखे जाते हैं, इवन कभी भी रैंडम मींस। तो मतलब आप 2021 के बाद, आफ्टर 2021 व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर एमबीबीएस, तो आप इंडिया आ गए थे? जी, तो आने के बाद आप सेल्फ स्टडी आपने एफएमजी के लिए किया? आई विल कंप्लीट। यस यस ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा था सर कि
तो आप क्लास जैसे सेमेस्टर सिस्टम था हमारे कॉलेज में, तो हर जगह तो मेडिकल कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन मैं अपने कॉलेज को क्यों कहना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि वो रैंडमली बिना बताए कभी भी टेस्ट लेते थे और वो टेस्ट का मार्क्स कुछ परसेंट ऐड हो जाता था फाइनल, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में आपके ऐड हो जाता था। तो इसलिए हम लोग हमेशा एवरी डे प्रिपेयर रहते थे कि कभी भी वो, हाँ, ये नहीं कि इट्स जस्ट लाइक एन अर्थक्वेक, कभी भी आ जाएगा, यू डोंट नो वेयर व्हेन डज इट कम, जी इवन वो आ जाएगा इवन, मतलब हमारे कॉलेज में ये व्यवस्था थी, आई डोंट नो अबाउट अनदर कॉलेजेस अनदर यूनिवर्सिटी, इवन चाइना में किस कॉलेज में कैसी व्यवस्था थी ये मैं नहीं, चूंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था बाजू बाजू घूमने में, घूमने के लिए, लेकिन मेरे कॉलेज में व्यवस्था थी कि आपको जैसे टीचर गए तो फर्स्ट 15 मिनट्स आपसे जो भी लास्ट क्लास में जो पढ़ाए हैं 15 मिनट्स में आपको केवल पूछेंगे। मतलब डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रैंडम टेस्ट होता था जी, तो कहीं ना कहीं उस रैंडम टेस्ट की वजह से, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया अर्थक्वेक, हमें ये पता नहीं होता अर्थक्वेक कब आएगा, कभी भी आ सकता है, तो वही हाल था कि वो जो रैंडम टेस्ट होता था उसके लिए बी प्रिपेयर रहते थे, एनी टाइम अप टू डेट रहते थे, यानी कि अपडेटेड वर्जन में अवेलेबल रहते थे, वह जो आदत थी वह आपको एफएमजी क्वालिफाई करने में काफी मदद की। लेट मी क्लियरिफाई वन, यस, मैं ये बात मेंशन कर रहा हूँ इसके पीछे मतलब एक पॉजिटिव मैसेज है, मैसेज है, तो हमारे बच्चे इस बात को डॉक्टर अभय कुमार जो बता रहे हैं इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एवरी डे आवर टीचर्स टेक टेस्ट, टेस्ट ओरल टेस्ट आप कह सकते हैं, मतलब 15 मिनट्स आपको जो भी पिछले क्लास में पढ़ाया गया है वो मतलब वो करते थे, मतलब पूछते थे, और यदि कोई बहुत वर्स परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका अटेंडेंस नहीं मिलता था उस दिन, यदि मार्किंग नहीं होगा तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए प्रतिदिन तो मार्किंग नहीं होगा, एवरी डे नहीं मार्किंग पॉसिबल है, लेकिन यदि मान लीजिए पिछले ओरल ऐसे पूछा गया क्या आपको पढ़ाया गया, पूछा गया कुछ नहीं मिलता, फिर अगले दिन आए फिर पूछे फिर नहीं, तो आपको दो दिन तीन दिन का वो जो प्रेजेंस है वो काट दिया जाता था। अच्छा, मतलब आप क्लास में थे, आप क्लास का कोई बात ही नहीं जानते, तो आप क्लास में क्या, मतलब आप क्लास अटेंड कर रहे हो लेकिन यू फेल टू रिप्लाई द आंसर्स जो ओरल होता था, तो आपके 3 days आपके अटेंडेंस डिडक्ट होते थे। यस सर, ऐसे भी इट वाज जस्ट लाइक अ पनिशमेंट, जी ये पनिशमेंट के तौर पे था। दूसरी बात इसमें ये था कि ये तो हो गया ओरल, मतलब बाय बाय टेस्ट की तरह समझिए, रोज ही जो चलता था कंटिन्यूस, उसके लिए कोई ये नहीं कि आज होगा, वो प्रतिदिन था, आपको पिछला जो लेक्चर सुने हैं अगले दिन पूछा जाएगा, ये एकदम कन्फर्म था। दूसरी बात ये थी कि कभी भी रिटेन टेस्ट हो जाती थी, उसके लिए कोई डेट अनाउंस नहीं होता था, रिटेन टेस्ट ऐसे होता था मतलब रैंडम सडनली कभी टेस्ट ले लिए और उसका मार्क्स का 10-15% कभी, मतलब जैसा गाइडलाइन आता था यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से, तो वो परसेंटेज मार्क्स आपको जुड़ जाता था फाइनल एग्जाम में सेमेस्टर के, और ऐसे 3-4 टेस्ट होते थे फाइनल एग्जाम से पहले, तो इसलिए हमेशा जो प्रिपेयर रहता था वही अच्छा मतलब परफॉर्म करता था, और जो उसमें जैसे मान लीजिए प्रतिदिन जो जिससे पूछा जा रहा है और प्रतिदिन बहुत अच्छा बता रहा है, तो टीचर्स आल्सो लाइक दैट स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो लाइक दैट स्टूडेंट, तो ऐसा होता था। तो ऐसे करते करते मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही था, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जाते जाते बहुत अच्छा परफॉर्म, लेकिन धीरे धीरे मैंने चूंकि अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की, करते रेगुलरिटी आप टॉपर्स में बदल गए जी, तो फिर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, मैं मतलब उसमें भी सेकेंड रैंक था मेरा पूरा, मतलब यूनिवर्सिटी में सेकेंड रैंक था। Undoubtedly, failure is the first step of success. जी, तो ऐसे हुआ, फिर मैं यहाँ आया, जो आपने पूछा FMG का कैसे मतलब, वो डॉक्टर साहब जरा बताइए FMG का कैसे रहा, इन शॉर्ट में आप मुझे बताइए। जी, तो यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मतलब जो मैं ये दो बार बोला कि आई वॉज टॉपर इन माई यूनिवर्सिटी इन माई कॉलेज, तो ऐसा नहीं कि यहाँ आया तो मैं सेकेंड फर्स्ट अटेम्प्ट तो जो होता है ना कि आदमी आता है तो थोड़ा अभी जैसे फर्स्ट एग्जाम जो मैं दिया यहाँ का FMG का उसको प्रिपरेशन के लिए ऑनेस्टली मुझे 1 month मिला था। अच्छा, कि मैं अप्रैल के एकदम लास्ट में दिल्ली पहुंच पाया था, क्योंकि बहुत सारा उसमें रहता है 1 महीना आपको मिला, हाँ, तो उसमें मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया था, आई गॉट 117 as I remember. Now you got 167. 164. 164. Out of 300. जी. तो मैं बताना चाहूँगा 300 का मार्क्स का होता है, उसमें 150 आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, that is 150. He scored 164. That is outstanding marks. Yes. फिर second attempt में मुझे 144 आया. फिर second attempt के एग्जाम देने के जस्ट बाद. Second attempt आप 6 नंबर से
रह गया जी, दूर रह गया। फिर सेकंड अटेम्प्ट के एग्जाम के जस्ट बाद मेरे को बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम क्या मतलब मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन था जो लंबे टाइम से था, स्टोन का साइज काफी बढ़ गया था, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपके साथ बहुत है। नहीं वो हेल्थ इश्यूज बहुत एक्सट्रीम पे आ गया था, मतलब पेन अनबियरेबल था, मतलब बहुत परेशान करता था पेन। और पता नहीं कैसे मैं दिल्ली में ही था, अब यहाँ थोड़ा फैटी फूड वगैरह का ज्यादा प्रचलन है तो उसके कारण मेरे वो बढ़ गया। हाँ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसमें मतलब कोलेस्ट्रॉल के चूंकि एक्युमुलेशन से उसका रिलेशन है डायरेक्ट स्टोन बनने का, गॉल ब्लैडर के स्टोन का मैं बोल रहा हूँ जो लीवर के जस्ट नीचे नीचे होता है, पित्त की थैली जिसको लोग हिंदी आम बोलचाल सेपरेशन का जी जी जो बाइल मतलब स्टोर करता है। तो हो गया मतलब बहुत परेशान हो गया मैं, एक सवा साल तक मैं इतना परेशान हो गया मतलब मैं इवन एक एग्जाम भी मैं नहीं दे पाया, एक अटेम्प्ट में दे भी नहीं पाया क्योंकि मेरा एट ए टाइम ऑपरेशन हुआ, फिर डॉक्टर बोला कि कैंसर हो सकता है क्या क्या, फिर बहुत सारा जांच हुआ, फिर इलाज चला लेकिन कुछ निकला नहीं, चलिए आई वाज इन सिक्योर लाइन, बट मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया, इलाज बहुत लंबा। थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया? जी थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो एक अटेम्प्ट छूट गया। तो सेल्फ ही स्टडी आपने किया? नहीं सर, कुछ ऑनलाइन क्लासेस लिया कुछ, डेढ़ दो महीना मैंने AFMG एक कोचिंग है। अच्छा, उसमें तो आपने उसमें पढ़ाई की? जी, इसके बाद चूंकि कोरोना बहुत भी पे आ गया, बहुत ही हार्ड एग्जाम है अभय कुमार, जैसे डॉक्टर अभय कुमार बता रहे हैं एक तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जी जी, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह से क्लासेस लें, तो कुछ दिनों के लिए ये कोचिंग की इन्होंने हेल्प ली, सहायता ली, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज कुछ पेपर्स ये सब बनाया इन्होंने, और तब जाके इतना प्रॉब्लम्स के बाद डिस्पाइट ऑल दैट डिफिकल्टीज ही क्लियर्ड हिज FMG एग्जाम विद अ वेरी गुड मार्क्स, दैट इज 164। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब, कांग्रेचुलेशन। और आपने काफी मान सम्मान बढ़ाया, और ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है, जब सक्सेस हमें हासिल होती है तो बहुत ही खुशी का मोमेंट होता है, बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। इन्हीं बातों के साथ जो मैंने शुरुआत की थी, अ मैन कैन अचीव हिज गोल बाय द फर्म डिटरमिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सिंसियरिटी इन वर्क। एक आदमी लक्ष्य को तब पा सकता है जब उसके अंदर फर्म डिटरमिनेशन हो, एक डिटरमिनेशन हो, जैसे डॉक्टर अभय कुमार के अंदर एक डिटरमिनेशन थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, उन्होंने डिटरमाइन कर लिया डॉक्टर बनना है, चाहे कैसे भी वो बनना है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, अब डिटर्मिनेशन को जो ड्रीम है उसको हासिल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। कई बार हम सपने देखते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती है, लेकिन वो एनर्जी खत्म भी हो जाती है। बहुत सारे वी हैव गॉट द लॉट्स ऑफ डिफ्लेक्शंस इन आवर लाइफ, तो डिफ्लेक्शंस को देखते हुए, नेगेटिविटी को देखते हुए, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को देखते हुए, हिंड्रेंसेस को देखते हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारना, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स योर each and every success in your life, and sincerity in work, as doctor sahab told everybody, jaisa ki bataya doctor sahab abhi ne, ki sincerity in work, inki jitni journey hai, mata ji ke wo leukemia ka jo infections tha, jo blood cancer tha, wahan se lekar inke jo mind mein jo ruchi aayi, doctor sahab aapke mind mein jo dream ek aayi, ek sparkle of energy main keh sakta hu wo aaya, uske baad ye aage badhe doctor sahab, aur regularity, फिर ये दरभंगा ब्रांच में वहां पे गए, फिर 12th इन्होंने किया, फिर कंपटीशन एग्जाम दिया, फिर आरएमसी से जुड़े, जी 12th पहले आरएमसी से जुड़े, आरएमसी जुड़ने के बाद फिर सही डायरेक्शन मिलने के बाद चाइना जाना, फिर वहां पे रेगुलर मेहनत करना, ही यू नो स्ट्रगल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, यू नो ही प्रैक्टिस्ड ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे मेहनत करना और क्लास में टॉप करना। तो टॉप करने के पीछे एक जो मेन चीज डॉक्टर अभय कुमार ने बताया, रेगुलरिटी और परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन मिनट, यस, मैंने सर दो साल मतलब व्हेन आई वाज कंप्लीटेड माय 12th, तो दो साल मैंने प्रिपरेशन भी किया था पटना में, और पटना में प्रिपरेशन करते हुए मुझे फील हुआ कि शायद मैं, मुझे यहाँ मतलब वो नहीं, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया वो रैंक उस हिसाब से नहीं आता था, नहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, और मुझे गोल था कि मुझे किसी भी तरीके से MBBS डॉक्टर बनना है, नॉट BHMS, नॉट BAMS, नॉट MBBS बनना है। यस, डॉक्टर अभय कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि वहां पे जब दो साल पटना में रहे कोचिंग करे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो इसके पीछे एक चीज मैं खुद बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि कहीं ना कहीं टाइम को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप चाहते तो दो साल और तैयारी कर सकते थे, जी जी, लेकिन
यू डिसाइडेड ऑन दैट टाइम आई शुडंट हैव टू वेस्ट माय टाइम. जी जी. फर्दर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है. बच्चे कभी भी टाइम वेस्ट ना करें. अगर एक बार दो बार, और बच्चों को खुद पता होता है डॉक्टर साहब, अगर अगर आप अग्री हमारी बातों से तो आप एक बार आप उसको बताइए. जी जी. कि बच्चों को खुद पता होता है कि मैं कहाँ पे. जी बिल्कुल. हाँ, ऑनेस्ट आप अपना जजमेंट करिए. आप जब भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं ऑल इंडिया का, जो भी नीट प्रिपरेशन है कुछ भी, तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना गेन कर रहे हैं, कितना आपको और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, कितना मेहनत कर सकते हैं, ये सब अपना वो करते रहिए. ऑनेस्ट जजमेंट खुद का जरूरी. ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर प्रिपरेशंस, ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर यू नो एग्जामिनेशंस, प्रिपरेशंस एंड स्टडी, ये आपकी बहुत जरूरी है. ऑनेस्टी होनी चाहिए. ठीक है. एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा. मैं मतलब डॉक्टर, जैसे मुझे लाइसेंसिंग एग्जाम मैंने पास कर गया, मैं डॉक्टर हूँ अब, मैं आज से कर सकता हूँ. लेकिन मैं एक बात अपनी कोई भी जो मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू डॉक्टर, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप डॉक्टर बनिए, ये डिटर्मिनेशन करिए पहले, और ये इस फील्ड में इसलिए सोच के मत, जो मेरा अपना फीलिंग है, बहुत हार्टिएस्ट फीलिंग है मेरा, इस फील्ड में ये सोच के मत ये कि मुझे आकर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लोगों को जिसको लोग आम बोलचाल में कहते हैं लूटना, डोंट डू दैट. आप लोगों को सेवा भाव से करिए और मतलब लोगों को सर्व करिए, अपना फी लीजिए एक्चुअल, और बहुत सारा आपको मतलब नाम होगा और आप लंबे टाइम तक अच्छा कर सकेंगे और आपका दिन दुना रात चौगुना आपका यश फैलेगा. साथ ही साथ आप अच्छा पैसा भी, ऑनेस्ट डॉक्टर भी अच्छा जीने रहने लायक पैसा कमा लेते हैं. सो मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि जो भी डॉक्टर फ्यूचर के डॉक्टर है वो ये सोच कर इस फील्ड में आने की कोशिश करें कि आई हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी. यस. So this is the very nicest and finest and golden word that doctor saab ke muh se abhi wo bata rahe hain. It's a very golden word. Isko aap parents apne bachchon ko bataye aur bachche is baat ko apne dhyan mein apne preparation ke piche rakh sakte hain ki hame doctor banne ka mission sirf ye nahi hona chahiye. Jo hamara vision and mission hai wo yeh nahi hona chahiye ki hame doctor banna sirf paise kamane ke liye. Nahi, we serve the nation with the पावर ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट पावर. तो इंसानियत को, जैसा कि ये डॉक्टर साहब इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज डॉक्टर साहब इस चीज को देखा है. सो डॉक्टर साहब बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. नाइस टू मीट यू. थैंक यू.